कृषि कानूनों के विरोध में शाजापुर स्थित राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों का गुरुवार को सब्र टूट गया। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ के किसान हरियाणा पुलिस के बैरिकेड तोड़कर दिल्ली की ओर कूच कर गए। दोपहर करीब 2 बजे 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टरों में सवार होकर करीब 150 किसानों ने अवरोधक तोड़कर हरियाणा की सीमा में प्रवेश कर लिया। हरियाणा पुलिस ने ट्रैक्टरों की हवा निकालकर किसानों को हिरासत में ले लिया। हरियाणा पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिससे किसानों में भगदड़ मच गई। दोपहर करीब 2 बजे बॉर्डर पर शांति थी। अचानक कुछ ट्रैक्टर चालक एक साथ बॉर्डर की ओर कूच करने लगे। करीब 30 ट्रैक्टर लोहे और पत्थर के बैरिकेड तोड़कर हरियाणा सीमा में दाखिल हो गए। हरियाणा पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस की ओर से किसानों को रोकने के लिए भारी पत्थर रखे हुए थे। किसानों ने उन पत्थरों को एक तरफ करवा दिया। युवा किसानों की ओर से दिल्ली कूच के अंदाज का संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों योगेंद्र यादव, कॉमरेड अमरा राम व पूर्व विधायक पवन दुग्गल, कालू थाई एडवोकेट आनंद यादव की ओर से अहिंसात्मक आंदोलन की राह पर चलने की अपील युवाओं से की जाती रही, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इस दौरान किसान ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को टक्कर मारकर निकलने का प्रयास कर रहे थे, तभी हरियाणा सीमा में ट्रैक्टर व राजस्थान सीमा में ट्रॉली अटक गई। ट्रैक्टर चालक व सवार अन्य किसानों पर हरियाणा पुलिस टूट पड़ी। हरियाणा पुलिस के राजस्थान की सीमा में आकर कार्यवाही करता देख राजस्थान पुलिस के नीमराणा DSP लोकेश मीणा, शाजापुर थाना अधिकारी सुनील जांगड़ सहित पुलिस दल ने सीमा ज्ञान कराते हुए अधिकारियों को राजस्थान सीमा में किसी भी प्रकार की जबरन कार्यवाही पर एतराज जताया और उन्हें वापस लौटा दिया। अभी शाजापुर बॉर्डर जहाँ पर हमारा पड़ाव चल रहा है, वहाँ से कुछ व्यक्ति अपने ट्रैक्टर के साथ रवाना हुए और वे बैरियर तोड़ के आगे बढ़े। अभी वो चल रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट रूप से घोषणा की हुई है कि जो अनुशासन में रहेगा वही हमारा है, जो इस आंदोलन को कमजोर करेगा, अनुशासन तोड़ेगा, वो संयुक्त मोर्चा के साथ नहीं है। हम चाहेंगे कोई भी भाई संयुक्त मोर्चे का जो निर्णय है, ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, अहिंसात्मक रहेगा, सत्य के साथ चलेगा, इसी के अनुसार सब अपना आचरण करें।